भाई मैं देख रहा हूँ कहीं ना कि रियलिटी शोज में ऐसा होता है पता मैं आप इस तरह बिलीव करते होंगे जो फर्स्ट आता है और जो सेकंड रनर होता है दो लोग होते हैं फर्स्ट और सेकंड होता है फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड वाले को ज़्यादा इज्जत क्यों मिल रही इस टाइम पे देखा जा रहा है भाई आ, मैंने बहुत पहले बोला सिम्पति इंडिया वर्कस ऑन सिंपति इंडिया को कोई चाहिए जैसे वो सिंपती दे सके सला हम भी हारे हैं लाइफ में ये भी हार है हमारे साथ हाँ इसके साथ भी कोई और गलत करके गया है चाहे बैक स्टोरी नहीं पता हो इसके साथ कुछ गलत हुआ है हमारे साथ भी हुआ है यार शिट इसका सपना टूट गया क्योंकि इंडिया में सपने देखने वाले बहुत हैं सबके पूरे नहीं होते क्योंकि ऑडियंस इतनी वो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है हर किसी का सपना पूरा नहीं हो रहा कहीं ना कहीं नीचे आगे रुक रहे तो वो रिलेट कर पाते हैं कि यार इसका सपना रह गया ये हो गया वो हो गया सो दैट इज़ वाई सेकेंड वाले ज़्यादा प्यार ले जाते हैं थर्ड वाले ज़्यादा प्यार ले जाते हैं सिंपल सिम्पल कहीं खेल चल रहा है यार क्योंकि वो खुद भी खाते हैं मैं चाहता है, मैं सच्ची के के बता तो <laughs> कम कम मतलब नहीं, नहीं रहा हूं दे रहा हूँ अपनी फैन फॉलोइंग आगे बढ़ानी है सिंपत्ति खाओ इट्स <laughs> वेरी तो क्लियर पर वैर देख मैंने वो ना फिर थोड़े टाइम के लिए रहेगी इट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग अगर आपने एक बार सिंपति ले ली कोई भी हो फिर ना दुआ करना कभी लाइफ पर गलत ना नजर आओ उनके आँखों के आगे क्योंकि जितना प्यार दे रहे हैं ना इस समय अगर उन्हें तुम कहीं भी गलत दिख गए ये तुम्हें धो भी उतनी बुरी तरीके से देंगे क्योंकि सिंपति में प्यार तो देते हैं पर जब हर्ट होते हैं ना फिर आपको पता है कैसे क्या लिखेंगे तुम्हारे लिए कभी आपने फेस किया भाई ये चीज़ वाली चीज़ भाई मैं बता तो रहा हूँ रोटीज़ के कमेंट सेक्शन ऑफ थे आए होंगे मैं तो लिख के दे रहा हूँ मेरे को लोग बोलते हैं कि तेरे कमेंट में बहुत गालियाँ हैं मैंने कहा ठीक है जब तक मैंने नहीं देखी वो नहीं है मैं क्यों अपना मेंटल हेल्थ खराब करूँ यार कौन है वो लोग देखो जो प्यार करते हैं वो मैंशन्स में भी आ जाते हैं वो किसी ना किसी तरीके से प्यार भेज देते हैं बाहर मिल जाते हैं फोटोज़ खिंचवा लेते हैं हो जाता है पर मैं उन उनटर्स पर फोकस क्यों करूँ एक दिन क्यों खराब करूँ दस कमेंट पढ़ूँगा बुरा तो लगेगा इंसान हो क्यों पढ़ूँ और काम है उस इंस्टाग्राम पे बैठ के स्क्रॉल नहीं करना वैसे ही फेक आईडीज़ होती हैं आधे ज़्यादा रियल आईडी से कौन ही कमेंट करता है होंगे चार पांच पाँचों कमेंट करते हैं मैं वो बताता हूँ मेरे को एक बहुत ही तगड़ा कमेंट आया था सॉरी अभी मैं बहुत ही बुरी बात बोल रहा हूँ तो देर इज दिस गर्ल मुझे कहते है कि तू साले तू हाथ में चूड़ियाँ पहन ले और रोड के बीच में पैसे मांग और वो एक लेडी थी मुझे इतना खराब लगा कि पैंतीस छत्तीस साल की होंगी इनकी थिंकिंग ये है कि चूड़ियाँ पहन ले मैंने कहा भैया मतलब आप खुद ही औरतों को कमज़ोर कह रहे हो क्या क्या कह रहे हो क्या बोलना क्या चाहते हो क्या क्योंकि आप एक लेडी हो आप मुझे कह रहे हो चूड़ी पहन ले मैंने कहा फिर प्रॉब्लम पता क्या है मेरे पे ऐसे ऐसे काउंटर होते हैं ना मैं रिप्लाई दे दूँ बढ़िया पर पता है क्या लोग बोलेंगे देखो साला गिरा हुआ है ऐसे रिप्लाई दे रहा है तो देख के भी नज़रअप क्यों देखूँ क्योंकि मेरे मन में आएगा इसके पेलता हूँ वापस पे साले को देता हूँ <laughs> <laughs> छोड़ लिखते जाओ लिखते जाओ एंड आई एम टेलिंग यू दीज गाई गुड फेमस जिसकी बात करो जो भी लेडी है थर्टी टू फोर्टी की होगी शी आर समू हंड्रेड के फॉलोअर्स उससे कमेंट किया भाई मेरे को ऐसा लगा मैंने कहा क्या बोलूँ इसको छोड़ा पता मैंने क्या किया मैंने उसका मैंने सोचा मैंने स्क्रीन शॉट डाल देता हूँ बस पता प्रॉब्लम क्या है मेरे वाले तो भूत बना देंगे <laughs> <laughs> उससे बुरा लगेगा फिर वो सोचा कर दिया यार लड़कियों को बहुत गंदा लिख सकते हैं लोग लिमिट नहीं छोड़ते ना साले दिक्कत ही है आप क्रिटिसाइज करो आप गंदी चीज़ें मत लिखो इधर थे ये कर देंगे वो कर देंगे नहीं यार हम लड़के हमें तो क्या ही लिख दोगे तो मारेगा तेरे को पहल दूंगा यह आ सकता है मैक्स तू मिल कर तेरे को बताएंगे ऊपर क्या आ जाएगा पर लड़कियों को बहुत गंदा आ सकता है भाई कभी डर लगा इन चीजों के लिए कमेंट सेक्शन को लेकर कभी नहीं आ कि कुछ ऐसा हो जाएगा यार इसने ऐसा जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो मेरे बारे में जानते हैं मैं तो बोल भी देता हूं मेरा बाल भी भागा करके दिखा दो भाई वो नहीं कर सकते कुछ यार वो जो यहाँ लिखता है ना वो रियल लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ सकता जो एक्चुअल रियल लाइफ में कुछ करने वाला होता है तेरे को बताएगा नहीं कि भाई ये करूंगा मैं वो करूंगा वो कर देता है सिंपल hmm. मैं एक्चुअली बता रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में मैंने वो फेज़ भी देखा जहाँ मेरे आसपास सब गुंडे थे या सब बहुत ही ख़राब काम करते थे तो मुझे पता है वो लोग किसी को बोलते नहीं हैं अगर उन्हें करना है वो कराएंगे मुँह से नहीं पता लिख के नहीं देंगे कि टेक्स्ट ओ भाई मैं तेरे साथ ये करने वाला हूँ तू मिल तेरे को बताऊँगा ये सब नहीं करते ये वो करते जिन्होंने से बातें करनी होती हैं उससे ऊपर नहीं होता उनसे कुछ